की सलामती हो। मैं ग्रैंड मास्टर हुमायूं जुए, सर्वेंट ऑफ गॉड, फाउंडर स्टूडेंट टीम हुमायूं जुए, फोकस टीम इंटरनेशनल और सदीक चैनल वेलफेयर फाउंडेशन के लिए की तरफ से आपका थैंक्स करता हूँ कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं। आज हमारे दरमियान मौजूद हैं रफाकत खोकर, जो कि कैमरामैन है और हमारी अक्सर वीडियो को रिकॉर्ड वही करते हैं, तो मैं उनको वेलकम करता हूँ। जी मयूर साहब, थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इस काबिल समझा। बहुत शुक्रिया आपका। हाँ जी, तो मैं इस काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन खुदावंद की बरकत है, खुदावंद की ब्लेसिंग है कि आप जैसे लोग बुलाते हैं, तो मतलब कि आप कोई भी सवाल पूछना चाहें फोटोग्राफी के हवाले से तो मैं वो हाज़िर हूँ। जी, तो आप पब्लिक को ये बताएं कि आपने ये कैमरा शूटिंग का आगाज कब से किया और ये आपको ड्रीम कहाँ से आया, इस तरफ आपका रुख कैसे हुआ? ये हुमायूं साहब, मैंने ब्लैक एंड वाइट से स्टार्ट किया था। जब 120 का कैमरा तो कैमरा होता था यूशिका का, उसके अंदर 12 स्नैप्स होते थे, वो 12 स्नैप्स ख़त्म ही नहीं होते थे तकरीबन। वो एक जब हम स्टूडियो में होते थे तो एक वीक लग जाता था उसको शूट करने में ना। तो फिर वो ब्लैक एंड वाइट से हमने स्टार्ट किया, फिर उसकी ब्लैक एंड वाइट हम डेवलपर बनाते थे फिक्स, फिर लार्जर का काम होता था ये सारा अंधेरे के अंदर। और बेशुमार लोग कहते थे कि भाई ये जो अब इस अंधेरे में ये सारा काम करते हैं, तो अब इस तरह की लाइट्स आए, इस तरह का होगा कि ये सारे का सारा काम जो प्रिंटिंग का है, डेवलपिंग का काम है, ये डे लाइट्स में हुआ करेगा। हम सोचते थे कि इस तरह नहीं हो सकता, ये नामुमकिन सी बात है कि पेपर को लाइट लग जाती है, जैसे वो कहते हैं ना जिस फिल्म को हवा लग गई, हवा नहीं होती थी बेसिकली, वो लाइट्स होती थी जो लाइट्स के वो कैमरे को रोल को लग जाती थी। जी जी, और उसके बाद फिर ये 120 का कैमरा था, फिर 35 का आ गया, 35 यूशिका कैमरे होते थे जो दुबई से आते थे, और उसका रिजल्ट बड़ा अच्छा था, वो मेरे पास काफ़ी देर रहा, तो उससे मैंने काफ़ी जगह पे शूट्स किया और काफ़ी जगह पे हम जाते थे। तो उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर कलर का दौर आ गया, और एक ही कैमरे के अंदर हम ब्लैक एंड वाइट भी रोल डालते थे और उसी के अंदर वो हम कलर रोल भी डालते थे। और किसी किसी टाइम ये होता था कि उसके जब हम डालते थे तो फेस के ऊपर फेस चढ़ जाता था उसके। ओके, वो हो जाता था सही। तो फिर हमें वो जो था ना दोबारा कस्टमर को कह के कि जी आप दोबारा इसको वो आप वो करवाएं, वो फिर दोबारा हमसे वो तस्वीर बनवाता था, और फिर वो हम रोल जब ब्लैक कलर हो जाता था, फिल्म हो जाती थी, फिर वो इधर बाबड़ा साइड पे, ये साथ ही नसीराबाद है, यहाँ पे हम उसको डेवलपिंग के लिए दे के आते थे। फिर वो रोल डेवलप होता था, फिर उसको हम चेक करते थे, चेकिंग करने के बाद फिर उसको वो प्रिंटिंग के लिए देते थे। एक ही कलर लैब थी, एक्फा कलर लैब, उसके बाद फ्यूजी आ गई, ARY, बेशुमार फिर वो लैब्स आ गई, कोडक वगैरह इस तरह करके ना, वो फिर वो 120 का ख़त्म हो गया दौर। उसके बाद फिर हमारे पास आ गया जी 35 का। सही, 35 अब तो बेशुमार डिजिटल कैमरे आ गए हैं, डिजिटल सारा सिस्टम हो गया है, अब तो ये है हुमायूं साहब सारा मामला आता है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका आंसर करने के लिए। जी थैंक यू। आपको ये मोटिवेशन कहाँ से मिला, आपने कैसे सोचा कि कैमरा मैन बनेंगे? ये सर जी मुझे बचपन से था कि मैं सोचता था कि मैं आर्टिस्ट बन जाऊँ। पहले मैं पेंटिंग का काम करता था, तस्वीरें वगैरह पेंट करता था। ओके, तो मुख्तलिफ जगह में रॉयल पार्क में जाता था, जो साइन बोर्ड लगे होते हैं कलर शूटिंग्स, जो फिल्मों के बोर्ड्स होते हैं। सही, तो वो मैं देखता था, मैं कहता ये इतने इतने साइन बोर्ड ये कैसे बनाते हैं, तो वहाँ पर मैं जाता था, वहाँ से फिर मैंने सोचा ट्रेनिंग ली। तो फिर अब वो मैंने कहा यार ये बड़ा मुश्किल काम है पेंटिंग्स बनाना, कलर को करना, तो फिर मैंने साथ साथ में कैमरा मैन, ये मैंने कहा ये जल्दी वाला काम है तो ये कर ली। तो फिर यहाँ पे एक मेरे दोस्त थे कमाल साहब थे फोटोग्राफर, ओके, तो फिर उनसे मैंने ना स्टूडियो में ये ट्रेनिंग ली। तो फिर वो हम खुद ही इसका डेवलपर बनाते थे, इसके अंदर चार वो केमिकल्स डाल के डेवलपर बनाना, फिर हाथ से उसको फिल्म को डेवलप करना, फिर उसको कटिंग करना, फिर लार्जर में डालना। अभी भी मेरे पास ब्लैक एंड वाइट लार्जर पड़ा हुआ है। सही सही। हाँ जी जी सर। ओके जी सर। तो आपने किस उम्र में इसका आगाज़ किया? ये सर जी मैंने तकरीबन उस वक्त हुमायूं साहब मैं 6वीं क्लास में था, तो मुझे ना पेंटिंग का बड़ा शौक था। ओके, तो 6वीं क्लास से मैंने वो जब छोटा ही था तो उस वक्त मैं हाथ से पेंटिंग वगैरह बनाता था, ड्राइंग बनानी, तो उस वक्त से मैं ये कर रहा हूँ जी। जी सर। अब तक कितने प्रोजेक्ट्स आप कर चुके हैं? मैंने सर बहुत ज़्यादा लोगों के साथ काम किया, फिल्म इंडस्ट्री में बड़ा, अपना बारी एवेन्यू शाह न्यू स्टूडियो जितनी यानी कि शूटिंग होती हैं फिल्मों की, वहाँ पे जाना रात दिन, वहाँ पे जाके काम करना, वहाँ पे लाइट्स को समझना,
कैमरे को समझना, वहाँ पर था कि ये आप फ्लैश नहीं चला सकते। ओके, फ्लैश को वो कहते हैं इसी लाइट में आप करेंगे, जैसे हमारी लाइट्स है ना, इसी लाइट्स में आपने काम करना है, उनकी अपनी लाइट्स है वहाँ पे। वो जब शूट हो रहा होता है तो वो कहते हैं फ्लैश नहीं आपने चलानी। ओके, ठीक है। तो मैंने फिल्म इंडस्ट्री में बड़ी देर किया जी, ठीक है, और इस तरह लाइट्स का मुझे पता है कि अब तो सारा डिजिटल्स हो गया है, बेशुमार अच्छे अच्छे कैमरेज आ गए हैं, तो अब लड़के काम कर रहे हैं, तो ऐसे ही बस हो रहा सर जी। ठीक है, ओके, बहुत शुक्रिया। आप अब मैं ये बताएं कि आपने अब तक जितना भी काम किया है जी, 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 आपका फेवरेट काम कौन सा था, आपका कौन सा फेवरेट प्रोजेक्ट था, उसके बारे में बताएं पब्लिक को। हाँ जी, मेरा फेवरेट जो था वो मैंने मैगजीन्स में काम किया, हेलो इंटरनेशनल रिवाइवल, सही। फिर उसके बाद मैंने जनाब अपना द लाइंस हो गया, और मुख्तलिफ न्यूज़पेपर्स के लिए अफ्तरोज़ा चावला साहब का था फिल्मी पर्चा था जो कराची से प्रिंट होता था, सही, उसके लिए हम करते थे। और एक बड़ी जो होता है कि मैंने डेड हाउस किया, डेड हाउस होता है जो रात के टाइम यानी कि चार बजे सॉरी रात के टाइम जो बंदे डेड हो जाते हैं उनकी सुबह के टाइम जाके चार बजे जाके उनकी फ़ोटो बनानी। ओके, और वो मेरी रोजनामा पाकिस्तान के अंदर वो सुबह के टाइम वो प्रिंट होती थी फ़ोटो। ओके, उनके सिर्फ बॉडीज नहीं, सिर्फ ना हेड का वो फ़ोटो मैं लेता था, वो भी बेंच के ऊपर खड़े हो गए वहाँ से ऊपर से फ़ोटो लेना, और फिर वो ब्लैक एंड वाइट फिर उनको बना के, और वो जो रिपोर्टर्स होते थे वो जनरल न्यू हॉस्पिटल्स में वो कॉल करते थे, और मैं फ़ोटो खींच के और वो फ़ोटो उनको जाके डेड हाउस की मैं फ़ोटोज वो देता था। और कभी कभी इतनी लाश होती थी कि जिनको 20-20 ब्रेस्ट लगे होते थे, और वो बंदा कहता था जी आप ये फ़ोटो खींच लेंगे, तो मैंने कहा जी मैं खींच लूँ, कहता नहीं आप जो वहाँ पर का वो होता है ना वो जो उसको उसकी निगरानी कर रहा था चौकीदार वगैरह गार्ड, तो उसने कहा नहीं आप नहीं खींच सकते कि आपके अंदर वो स्टेमिना नहीं है। ओके, मुझे लग रहा है। तो फिर मैंने वो अपना कैमरा उसको दिया, तो उसने वो जो बॉडी थी उसके अंदर 15-20 ब्रेस्ट लगे हुए थे, तो वो फ़ोटो उसने खींच के दी। तो वो जब मैं फ़ोटो खींच रहा था वो उसके जो पेरेंट्स थे वो मुझे कह रहे थे कि नहीं नहीं भाई आपको अपनी फ़ोटो की पड़ी हुई है, हमारा बंदा मर गया। तो वो फ़ोटो फिर मैं खींच के रोजना पाकिस्तान वालों को दी, वो फिर प्रिंट हुई। ओके जी सर, जी सर। तो आखिर में आप ये बताएं कि आपको स्टूडेंट टीम हमारी जो है फोकस टीम इंटरनेशनल और सदीक चैनल वेलफेयर फाउंडेशन के साथ काम करके कैसा लग रहा है जी जी, और आप अभी जो भी आपने काम हमारे साथ किया है तो जी आप जी, उसके अंदर से क्या मोटिवेशन हासिल किया जी जी। मैं डॉक्टर साहब के साथ काम करके बड़ा खुश हूँ, डॉक्टर साहब हो गए हमायूं साहब, इनके वालिद साहब के साथ मेरा 20-25 साल से रिलेशन है, तो ये बड़े नाइस हैं, पढ़े लिखे बंदे हैं, पंजाबी बहुत, मैं ज़्यादा उन्हें समझा नहीं सकता हूँ, लेकिन इनके अंदर बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ हैं, और आजकल की जो न्यू जनरेशन हैं वो ही इनकी बात को समझ सकते हैं, जो ओल्ड बंदे हैं ओल्ड सिस्टम वाले बंदे हैं वो इनकी बातों को नहीं समझ सकते, क्योंकि इन्होंने जितना पढ़ा है जितने लोगों के साथ इन्होंने वर्क किया है मीडिया में और बेशुमार लोगों के साथ इन्होंने वर्क किया। और अब ये है कि मैं इनका बड़ा थैंक यू करता हूँ कि खुदावंद इनको ब्लेस करे कि इन्होंने मुझे अपने चैनल फोकस टीवी में इनवाइट किया, और इनका हुमायूं साहब का, इनके फादर का, और जो मिस हमारी रिकॉर्डिंग्स कर रही हैं मिस लिशबा, मैं उनका भी थैंक यू करता हूँ कि जो हमारी रिकॉर्डिंग कर रही, थैंक यू वेरी मच, खुदावंद आपको ब्लेस करे। बहुत शुक्रिया। और आखिर में कोई पैगाम आप देना चाहें जी? मेरा ये पैगाम है कि ये आप जितने भी लोग घूम रहे हैं फिर रहे हैं उनको बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है, तो इनका ये है कि मीडिया में आए, अच्छा काम करें, किसी को अच्छा काम करें, और किसी के साथ कोई ऐसी बात ना करें, ब्लैकमेलिंग्स ना करें, और अपना ख्याल रखें, और इस तरह के ओवर गलियों में घूमना फिरना ड्रिंक करनी और ऐसे ऐसे मामलात में इन्वॉल्वमेंट, और कहना कि हमारे पास काम नहीं है, काम हमायूं साहब मार्केट के अंदर बहुत है। ओके, अगर काम आपको उसी लेवल का मिलेगा जिस लेवल के आप हैं, ओके, उससे आपको हटके नहीं काम मिलेगा जी, हटके आपको काम मिल जाएगा जी। आप कहेंगे मैं मिनिस्टर बन जाऊं या मैं ब्रांच मैनेजर्स बन जाऊं, अब मेरी एजुकेशन ही इतनी है, इतना ही मैं पढ़ा लिखा हूं, तो मुझे उसी तरह की जॉब मिलेगी ना। तो अब लोग जो ना मायूं साहब थोड़ी जॉब में भी वो काम नहीं करते,
यानी कि थोड़े पैसों में भी, अगर आप थोड़े में भी करेंगे ऐसे ही है ना हमायूं साहब जी बिल्कुल, तो फिर आगे वो आप प्रमोट ऑटोमेटिकली आपको खुदा ब्लेस करेगा। बिल्कुल ऐसे आप थोड़ा भी ना करें और जो आपके पास है उसको भी आप ना करें। जी बिल्कुल ऐसी बात है ना, राइट कह रहे हैं। जी जी बहुत शुक्रिया आपका जी, थैंक यू, आपने हमारी इस वीडियो को ज्वाइन किया, आपको खुदा बरकत दे, बहुत शुक्रिया। थैंक यू नाजरीन, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। ऐसे ही हमारी वीडियोज़ को देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बने और स्पिरिचुअलिटी को आम करें और गुरबत का खात्मा करें। ग्रैंड मास्टर हुमायूं जुवेद, सर्वेंट ऑफ गॉड, फाउंडर स्टूडेंट टीम हुमायूं जुवेद, फोकस टीम इंटरनेशनल, सिद्दीक चलन वेलफेयर फाउंडेशन। हैव अ नाइस डे, ब्लेसिंग टू यू।